नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिलीगुड़ी मंडी में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी मंडी में, हमारी सिलीगुड़ी मंडी में जब बारिश होती है तो क्या हाल होता है हमारी मंडी का। तो चलिए देखते हैं पहले हाल फिर बाद में भाव। तो देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या हाल है, क्या कीचड़ है, कीचड़ से भरी हुई है मंडी। बारिश के अंदर इसका यही हाल होता है हमारी मंडी का हमेशा। तो चलिए देखते हैं किसका क्या भाव रहा, साथ में कीचड़ भी देखते हैं। ये टमाटर की गाड़ी आई हुई है, देखते हैं क्या भाव है टमाटर का। मालिक थोड़ा सा कैसा टमाटर है ये भी देखते हैं। क्या भाव है भाई टमाटर का आज? मालिक वो है क्या? नमस्कार सेठ जी, क्या भाव टमाटर आज का? 52 रुपए का भाव। आज की पोजीशन 52, आज की 52 से लेकर 55 रुपए बिक रही है। कहाँ का माल है ये? आपका यूपी का माल है। आज की पोजीशन 52। तो आज की पोजीशन टमाटर की 52 है। और जगह भी चल करके देखते हैं कि कहीं टमाटर आया कि नहीं आया और क्या भाव आया है। चलिए देखते हैं इस कीचड़ से भरी हुई मंडी, हमारी सिलीगुड़ी मंडी। भैया सिलीगुड़ी मंडी जो कीचड़ जब बारिश होती है वैसा कीचड़ होता है ना, देखिए क्या हाल है इस मंडी का। देखते हैं यहाँ पे भी टमाटर आया हुआ, क्या पोजीशन है टमाटर की। क्या पोजीशन है भाई टमाटर की? 55 रुपया। कहाँ का है ये टमाटर? है अमरोहा का। कहाँ का? अमरोहा। अमरोहा अमरोहा यूपी। देखते हैं शिमला मिर्च की आज क्या पोजीशन है। ये शिमला मिर्च आई हुई है। पूछते हैं शिमला मिर्च का क्या भाव है। क्या पोजीशन शिमला मिर्च की? 1700 रुपए कार्टून। कार्टून के 1700। कितने केजी का है ये? आपका 21 केजी का है। 21 केजी का 1700 जी। 85 रुपीज केजी हो गया। केजी का है। कहाँ का है माल ये? आपका माल करनाल पंजाब का। पंजाब का। ओ हिमाचल का चालू नहीं हुआ क्या अभी? ये आपने देखा टमाटर और शिमला मिर्च दोनों का भाव। बाकी साथ में कीचड़ जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि बारिश में यहाँ क्या हाल होता है। पूरा कीचड़ से भरा हुआ है ये मंडी। मंडी मतलब हमारी सिलीगुड़ी मंडी, भाई हम भी इसी मंडी के हैं लेकिन इसी कीचड़ में ही चलना पड़ता है। तो आप देख के कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि इस कीचड़ का क्या करना चाहिए, जब पता चले हमें भी कि हम क्या करें। और मंडी में किसी को कुछ बोलना हो कमेटी को तो क्या बोलना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।